नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बदलते वक्त के साथ खेती किसानी में भी किसान नवाचारों के दम पर नित नए प्रयोग कर रहे हैं और खेती के दम पर अपनी और अपने परिवार की स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं, जिस कारण देश और प्रदेश के किसान अब कृषि के क्षेत्र में नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। नई तरीके से की गई खेती किसानों को काफी मुनाफा भी दे रही है। इसे देखते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार भी अब किसानों को नए तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में कुछ इनोवेटिव किसान हैं जो अपनी सूझबूझ से खेती में इनोवेशन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात ऐसे ही किसानों से करवाएंगे। हरियाणा के किसान दूसरे राज्यों के किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परंपरागत खेती से किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा है और बागवानी से किसान लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। आज प्रदेश के कई युवा किसान इसका सटीक उदाहरण है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात ऐसे ही प्रदेश के एक किसान से कराते हैं जो बागवानी से लाखों की कमाई कर मालामाल हो रहा है। मौसम की मार और बीमारियों के कारण खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है, जिससे किसानों का खेती से मोह भंग होने लगा। लेकिन जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता को संभाला, किसानों को खेती में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करने का काम किया है और किसानों को बागवानी की तरफ ज्यादा से ज्यादा अग्रसर होने की अपील की, जिस अपील का असर किसानों पर हुआ और किसान बागवानी को अपनाने लगे, जिससे किसानों के लिए खेती करना आसान और सुगम तो हुआ ही, साथ ही युवाओं का भी रुझान खेती की ओर लगातार बढ़ने लगा है। इसी कारण आज प्रदेश में हजारों युवा ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी को छोड़ खेती किसानी में अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचा। जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहाँ बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास NCR का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है, तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई माइक्रो इरिगेशन इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में भी बहुत सराहनीय काम किए हैं। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़े और हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक है उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। जैसे हमारे भाई किसान भाई आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगुनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी
न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है, इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हों, अथवा कटाई से पहले हों, कटाई के बाद हों, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। परंपरागत खेती से हटकर किसानों का रुझान अब बागवानी की तरफ ज्यादा हो रहा है, जिसका फायदा भी किसानों को हो रहा है। यही वजह है कि किसान बागवानी से लाखों रुपया कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपने भी देखे होंगे। आज हम भी आपकी मुलाकात ऐसे ही किसान से कराएंगे। ये किसान अपने आप में अलग है, क्योंकि इस किसान ने रेतीली जमीन में अमरूद का बाग लगाया है, जिस पर अब अमरूद की इतनी पैदावार हो रही है कि किसान की बल्ले बल्ले हो गई है। राजस्थान बॉर्डर से कुछ दूरी पर स्थित सिरसा जिले के गांव जोड़किया के किसान दिनेश हुड्डा ने सितंबर 2021 में 3 एकड़ जमीन में हिसार सफेदा किस्म के अमरूद का बाग लगाया। उन्होंने अपने खेत में 3 एकड़ जमीन में अमरूद के 520 पौधे लगाए। 22 महीने बीत जाने के बाद किसान को आमदनी शुरू हो गई। इससे ये किसान अब लाखों रुपया कमा रहे हैं। हमने 3 एकड़ में लगाए हुए सर, अच्छा लाभ मिल रहा है। हमें विचार सर बागवानी विभाग में लगे नर्सरी सोपटा में भूप स्वामी से हमें प्रेरणा मिली। तो फिर कैसे शुरुआत की इसकी, कितना वक्त लगा, कितनी चुनौतियां सामने आई? चुनौतियां तो सर बागवानी उस तो आती है सर, परंतु हमने 2 साल हुए नहीं सर, 1 साल 10 महीने हुए, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। हमें इतनी उम्मीद नहीं कि इतने फल फ्रूट लग जाएंगे, ज्यादा ही है जी। पहले किसान दिनेश हुड्डा के सामने पानी की समस्या थी। किसान ने अपनी सूझबूझ और बागवानी विभाग की सहायता से ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया, तो इस रेतीली जमीन में भी इतना शानदार बाग तैयार हो गया, जिसका फायदा अब इस किसान को बखूबी हो रहा है। साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से सब्सिडी मिली, जिसकी मदद से खेती में पानी की डिग्गी तैयार करवाई। इसमें पानी स्टोर भी किया जा रहा है। पानी तो सर हमें सरकार ने सब्सिडी पे डिग्गी दी हुई है बागवानी की तरफ से, उसे हम ड्रिप भी दी हुई है सब्सिडी पे, उससे हम सिंचाई करते हैं सर। ये शुरुआत करी तो सभी को डर लगता है जी, फिर फायदा अच्छा हो रहा है। किसानों को मैं कहता हूँ जी, ज़्यादा नहीं तो 1-2 एकड़ में बागवानी की तरफ चलना चाहिए। नहीं जी, बीमारी का खतरा तो नहीं है इतना। मैंने इसार सफेदा लगाया जी, जो बहुत मीठा होता है ये। नहीं सर, हमें नहर आती है, नहर से हम डिगिंग टैंक में गे लेते हैं, उससे हम ड्रिप से सिंचाई करते हैं। क्यों अमरूद के पौधे में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती सर, हिसाब से पानी लगता है। किसानों को मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि मतलब ज़्यादा नहीं तो 1-2 एकड़ में जरूर बागवानी की तरफ जरूर चलना चाहिए। सर जी, बेचने के लिए तो बहुत चुनौतियाँ आ रही है, समस्या बहुत है जी, क्योंकि हमारे पास नज़दीक मंडियाँ नहीं है। हम तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारे नज़दीक मंडियाँ लगाई, क्योंकि हमें जरा दूर नहीं जाना पड़े। केंद्र सरकार हो या प्रदेश की मनोहर सरकार, दोनों ने किसानों की आय दुगनी करने का जो बेड़ा उठाया है, उसमें काफी हद तक सफल होती नजर आ रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को परंपरागत खेती के अलावा आधुनिक खेती और बागवानी की ओर अग्रसर कर रही है, ताकि किसान खुशहाल हो सके। अब किसान भी सरकार की अपील को साफ तौर पर समझने लगे हैं और आधुनिक खेती और बागवानी की ओर अग्रसर होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। राज्य की मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नित नई पहल शुरू कर रही है, ताकि प्रदेश के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मनोहर सरकार का तो हमेशा से यही मानना रहा है कि देश हो या प्रदेश, दोनों की तरक्की में अन्नदाता का उत्थान सर्वोपरि है। इसी कारण दिन रात बिना रुके थके मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और प्रदेश के किसानों को समृद्ध बना रहे हैं। तो आज के किसान उत्थान कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।